हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। आपने और हमने मंदिरों में सोने चांदी के चढ़ावे और नकदी की भेंट के बारे में कई मर्तबा सुना होगा, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी जगह की जहां प्रसाद के रूप में चने चढ़ते हैं। सुनकर आप चौंक जरूर गए होंगे, लेकिन ये 100% सच है। आइए आपको लेकर चलते हैं सरहदी बाड़मेर जिले के तिलवाड़ा में। दूर दूर तक लोगों की आवाजाही और सैकड़ों दुकान। इन दुकानों में सबसे ज्यादा है चने की दुकानें। लंबी लंबी कतारों में सजी इन दुकानों में कच्चे चने सुर्ख लाल भट्टी में पकाए जाते हैं और फिर लोगों को बेचे जाते हैं। इन चनों की बिकवाली का आलम यह है कि एक एक दुकान से 20 से 25 हजार किलो चने महज 15 दिन में बिक जाते हैं, और इसकी वजह है राव मल्लीनाथ मंदिर। साल 1982 में लगातार यहाँ आ रहे जालौर के जब्बर सिंह बताते हैं कि राव मल्लीनाथ मंदिर के मंदिर में प्रसाद के रूप में चने चढ़ते हैं। यही वजह है कि तिलवाड़ा के इस मेले में आने वाला हर शख्स चने जरूर खरीदता है। 15 दिनों तक चलने वाले तिलवाड़ा पशु मेले में बाड़मेर, बालोतरा, जालौर और जोधपुर से व्यापारी चने की दुकानें लगाने आते हैं। अच्छी बिक्री के चलते इन दुकानों की तादाद हर साल बढ़ ही रही है। चनों के व्यापारी थाना राम के मुताबिक राव मल्लीनाथ का मंदिर देश का इकलौता ऐसा मंदिर है जहां प्रसाद के रूप में चने चढ़ाए जाते हैं। यही वजह है कि वहां आने जाने वाले श्रद्धालु 1 से 5 किलो तक चने खरीदते हैं। थाना राम के मुताबिक एक दुकान से 25,000 किलो तक चने बेच देते हैं। राज्य भर में अपने पशुओं की वजह से खास पहचान बना चुके तिलवाड़ा पशु मेले की शुरुआत भी राव मल्लीनाथ मंदिर में आरती से होती है। बरसों से चला आ रहा ये मेला अपने इस अनूठे प्रसाद और चढ़ावे की वजह से सबसे ज्यादा सबसे खास नजर आता है। जागरूक टीवी के संवाददाता से बात करते हुए थाना राम दुकानदार इन्होंने ये कहा। क्या नाम है आपका और इस जगह और ये इसकी क्या मान्यता है? मेरा नाम थाना राम प्रजापति। ये चना मतलब यहाँ पे मल्लीनाथ जी की प्रसाद ही मानते हैं इसको। बाकी मंदिरों में जो होता है उसमें क्या है कि मिश्री है, मावा है वगैरह, वो चढ़ता है। यहाँ पे मल्लीनाथ जी की प्रसादी चने को मानते हैं और मल्लीनाथ जी के मंदिर में चने ही चढ़ता है। और ये 15-20 सालों से हमारे हाथों से मैं बेच रहा हूँ। हमारे फादर भी बेचते थे। वो है ये कितना कारोबार हो जाता है? ये कारोबार काफ़ी, यहाँ पे 24-25 दुकानें हैं। लगभग एक दुकान में 500-700 कट्टे आ जाते हैं। मतलब बहुत बड़ा लगता है। मतलब एक ही चीज़ यहाँ पे बनाते आधा रेडीमेड आता है, सब क्वालिटी होती है इसमें। ये खासियत क्या है इसकी? खासियत जैसे आप ये लोग कहाँ से लाते हो, इसको कैसे फिर इसको बनाते हो? जी हम लाते हैं बीकानेर से वगैरह, सब अलग अलग कच्चा लाते हैं। तो ये आधा यहाँ पे बनाते हैं, आधा रेडी बना हुआ लाते हैं। एक साथ में यहाँ बना नहीं पाते हैं। खासियत ये है कि मतलब यहाँ प्रसाद ही मानते हैं इस चीज़ को, मतलब इसीलिए ज़्यादा बिकती है। और कुछ नहीं, मतलब बाकी मंदिरों में मखाने वगैरह ये चढ़ते हैं, मतलब यहाँ पे प्रसादी में ये चने चलते हैं। जागरूक टीवी की बाड़मेर से ठाकुर राम इकबाल की रिपोर्ट।